आदाब सैयद, आप देख रहे हैं एडियन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की हम खबरों पर। पाबंदियों से परेशान व्यापारियों की मदद के लिए आगे आई कांग्रेस, कारोबार शुरू करने के लिए जिला कलेक्टर से किया मुतालिबा। रिक्शा मालिकान और काश्तकारों को माली मदद तो दुकानदारों को क्यों नहीं, कैनट पैलेस के दुकानदारों का हुकूमत से सवाल। दसवीं के नतीजे के लिए हुकूमत ने नए जाब्तों का किया ऐलान। और मराठा रिजर्वेशन की मुखालिफत करने वाला डॉक्टर बना नाराज कारकुनान के गजब का निशाना। अब खबरें तफसील से। रियासत पर बरसरे इक्तदार महाअघाड़ी हुकूमत में शामिल कांग्रेस ने 1 जून से शहर और ज़िले में तमाम दुकानें और कारोबार शुरू करने का पुरजोर मुतालबा किया। इस सिलसिले में कांग्रेस के एक वफद ने ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान से मुलाकात करके उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया है। कोरोना वबा की रोकथाम के लिए हुकूमत ने 2 माह पहले ब्रेक द चैन नाफिज किया था, जिसके नतीजे में कोरोना वबा का जोर काफ़ी हद तक कम हो चुका है, लेकिन लाजमी अशिया के अलावा तमाम कारोबार पर पाबंदी अभी भी जारी है। तवील पाबंदियों से व्यापारियों पर अब फाखाकशी की नौबत आ चुकी है। इनके मसले को लेकर आज औरंगाबाद जिला कांग्रेस के सदर डॉक्टर कल्याण काड़े के हमरा एक वफद ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और व्यापारियों की हालत जार से उन्हें वाकिफ करवाया। वफद ने कहा कि 2 माह से कारोबार बंद है, जिसकी वजह से दुकानदारों के साथ इनके मुलाजमीन भी बेरोजगार हैं और अब इन पर फाखाकशी की नौबत आ चुकी है। इसलिए इन दुकानों के अलावा काश्तकारी और सनत से मुतालिक व्यापारियों को पूरे वक्त कारोबार खुलने की इजाज़त दी जाए। इस वफद में भाऊ साहेब जगताप, सरजे राव चौहान, सचिन सिरसाठ, संतोष सिजवड़, मुजफ्फर खान और मोहित जाधव वगैरह मौजूद थे। औरंगाबादच्या जिल्हाधिकारी महोदयाला आज आम्ही आमचं शिष्टमंडळ भेटलो, त्यांना निवेदन दिलं आणि त्यांना विनंती केली की औरंगाबादच्या नागरिकांनी, वेगवेगळ्या व्यावसायिकांनी आणि व्यापाऱ्यांनी, उद्योजकांनी आणि सर्वांनी मिळून आणि जनतेने शासनाने जो आदेश काढला होता 31 तारखेला किंवा 1 जूनला सकाळी 7 वाजेपर्यंत लॉकडाऊन असावं, त्या निर्णयाला जनता जनार्दनांनी, व्यापाऱ्यांनी, उद्योजकांनी, कामगारांनी, वेगवेगळ्या व्यावसायिकांनी प्रतिसाद दिला आणि त्या माध्यमातून औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या कोरोनाच्या रुग्णाची मर्यादा किंवा कोरोनाच्या रुग्णाची संख्या, त्याला आळा बसला आणि तो आळा बसल्यामुळे आता आम्ही शासनाला जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने विनंती केली कलेक्टर महोदयाच्या मार्फत की औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात रुग्णाची संख्या आता खूप कमी झालेली आहे, तर आता लॉकडाऊन किंवा टाळेबंदी जी होती ती आता दूर करावी आणि 100% व्यावसायिक, व्यापारी, कामगार, उद्योजक यांना सगळ्यांना आता कामधंदा करू द्यावा आणि तो करत असताना कोरोनाच्या प्रोटोकॉलमध्ये जे काही नियम असतील ते नियम आणि अटी त्यातल्या घालाव्या जरूर। आम्ही कोरोनाच्या नियमाटीचं पालन करून नक्कीच टाळेबंदी जरी बाजूला केली तरी कोरोनाच्या नियमाने अटीचं पालन करू, अशा पद्धतीचं निवेदन आम्ही जिल्हाधिकारी महोदयांना दिलं। ब्रेक द चेन की पाबंदियों से परेशान व्यापारियों के हक में आवाज़ उठाते हुए आज शहर BJP के एक वफद ने ज़िला कलेक्टर से मुलाकात की। वफद ने मुतालबा किया कि व्यापारियों को कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। BJP के शहर सदर संजय केनिकर की क़ियादत में राजेश मेहता, हितेश कांकरिया, संतोष बोरा और रोहित झाजेड़ वगैरह पर मुश्तमिल वफद ने ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान से मुलाकात की। वफद ने मुतालबा किया कि लॉकडाउन और पाबंदियों से व्यापारी परेशान हो चुके हैं, उन्हें फौरी कारोबार शुरू करने की इजाज़त दी जाए, सील की गई दुकानों पर से सील उठाई जाए, दुकानदारों पर दर्ज किए गए केस वापस लिए जाए। BJP के वफद ने खुदकशी करने वाले व्यापारियों को माली मदद देने और तमाम व्यापारियों को मदद के लिए माली पैकेज देने का भी मुतालबा किया। हमने जिला अधिकारी को त्रस्त नाग व्यापारियों के मांग को लेके हुए निवेदन किया है। आज व्यापारी आत्महत्या के कगार पर है और महानगर पालिका के जो नागरिक मित्र पथक है, इन्होंने व्यापारियों को
दिन दहाड़े दरोड़े डालने का काम चालू किया है और ये सभी नागरिक, ये सभी व्यापारी त्रस्त हो चुके हैं और ये व्यापारी को त्रस्त होते हुए, दुकान बंद होते हुए इनके दुकानों को सील लगाने का काम और गुनाह दाखिल करने का काम ये सरकार के माध्यम से प्रशासन ने किया है। ये प्रशासन को चेतावनी देने के लिए हम कुछ मांगे लेकर, व्यापारियों के लेकर हम जिलाधिकारी के पास आए और उनको हमने बता दिया कि अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों को लेकर आंदोलन छेड़ेगी और रास्ते पर उतरेंगी। और ये आश्वासित किया है इस जिलाधिकारी ने कि मैं 8 दिनों में अपने मांगों पर विचार करूंगा और उस पर निर्णय लूंगा। अगर ये नहीं निर्णय ले जाता तो भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार उग्र आंदोलन के स्वरूप में आपको संभाजीनगर में दिखाएगी। ब्रेक द चेन की सख्त पाबंदियों से तबाह हो चुके दुकानदार अब हुकूमत से माली मदद का मुतालबा कर रहे हैं। एडीएन से बात करते हुए कैनॉट प्लेस के दुकानदारों ने कहा कि अगर हुकूमत रिक्शा मालकान और काश्तकारों की मदद कर रही है तो दुकानदारों को भी मदद दी जाए। जदीद औरंगाबाद सिडको में वाक़ कैनॉट प्लेस शहर के बड़े बाजारों में शामिल है। आम हालात में यहाँ दिन रात काफ़ी चहल पहल और रौनक नजर आती थी, लेकिन कोरोना की वजह से कैनॉट प्लेस भी अपनी रौनक खो चुका है। शहर के हर बाजार की तरह यहाँ भी दुकानें बंद हैं, लेकिन दुकानदार अपनी दुकानों के आसपास मंडलाते नजर आते हैं। ऐसे ही कुछ दुकानदारों ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि ब्रेक द चेन की पाबंदियां अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हैं। वबा से हिफाजत के लिए इनकी दुकानें कारोबार बंद कर दिए गए। अब इनमें मजीद पाबंदियां बर्दाश्त करने की सकत नहीं रही। घर खर्च, किराया, टैक्स और दुख बीमारी के लिए पैसा कहाँ से लाएं? ये सवाल इनके सामने मुंह फाड़े खड़ा है। जब कारोबार ही बंद है, हुकूमत काश्तकारों, रिक्शा मालिकान, सनतकारों और घरेलू मजदूरों को इमदादी पैकेज दे रही है। इसी तर्ज पर व्यापारियों की मदद के लिए भी माली पैकेज जारी किया जाए। मागील 3 महिन्यापासून आपला औरंगाबाद लॉकडाऊन चालू आहे। राज्य शासनाने, मुख्यमंत्री साहेबांनी मागील 2 महिन्यापासून केले। त्या अगोदर आपला कलेक्टर साहेबांनी जे आहे सॅटरडे संडे क्लोज टायमिंग 8 टायमिंग आहे असं पकडून सगळ्यात जास्त आपला लॉकडाऊन औरंगाबाद झाले। आता काय सर, आपण सहन करू शकत नाही। आता आज 3 महीने में, पिछले साल भी ऐसे 3-4 महीने गए, हमको कोई मदद नहीं मिली। आज हमको मदद की सख्त ज़रूरत है। आज किसानों को मदद मिल सकती है, बाकी गरीब जो तबका है उनको मिल सकती है, लेकिन हम कॉमन का क्या है? हम जो तो हम ना कमा सकते ना खुद का घर चला सकते, हमको आज सख्त मदद की ज़रूरत है। 5-6 दुकाने फिरते हैं इतना सिडको मध्ये वगैरह, पण तिथे एक ही दुकानदार कोणी उघडून द्यायला तयार नाही। कोण म्हणतो मी तुमचा 20 रुपयाचा कंडेन्सरसाठी 10,000 रुपयाची पावती भाडू का प्रशासनाची? आणि सेल्फ एम्प्लॉईज लोकांचं भयंकर अवघड कंडिशन झाले। आता काही ठिकाणी कन्स्ट्रक्शन थांबले आहेत, कामं थांबले आहेत। आता सरकारची मदत आहे 1500 रुपये, पण 1500 रुपयात जर विचार जर केला तर आज 2 वेळचा चहासुद्धा होत नाही 4 माणसाचा। बाकीचे काही दुकानं आहे ते 7 ते 11 पर्यंत त्यांना टायमिंग दिलेलं आहे, आमच्या दुकान शॉपिंगला टायमिंग दिलेलं नाही आहे। त्यामुळे आमचं भरपूर काही प्रॉब्लेम असे होत आहे की आम्हाला भाडं भरणं आहे, पेट्रोल आहे, लाईट बिल आहे, ह्या गोष्टी आम्ही कुठून करायचं ॲडजस्टमेंट? आता मला तरी असं वाटतं की औरंगाबाद शहरातले पेशंट पूर्णपणे कमी झालेले किंवा खूप प्रमाणात कमी झालेले, त्यामुळं आम्हाला सरकारने असं काहीतरी करावं की लॉकडाऊन उघडलं गेलं पाहिजे। पिछले साल से जब से कोविड स्टार्ट हुआ फर्स्ट लॉट से, जैसा पहला साल गया दूसरा भी साल गया, 2 साल में कम से कम 6 महीना पकड़ लो आप, अभी तक का हर दुकानदार ने लॉस उठाया है। यहाँ पे हमारे सभी की दुकानें जो है भाड़े से, एक एक दुकान को 30-30, 40-40, 50-50 लाख रुपए भाड़ा है। आज की तारीख में सरकार के तरफ से हमारे को कोई भी सहूलत नहीं मिली भाड़े के अंदर। हमारे शटर बंद होने के बावजूद भी हमें 1000-1200 रुपये लाइट बिल के भी आते हैं। अब 2 या 3 महीने हो गए तो उसका 3500-4000 रुपये लाइट बिल भी हम पे थोपा जाएंगे। गवर्नमेंट किसी तरह से सहायता करने में राजी नहीं होती। बातें सब होती, सब लीडर लोगों की बातें होती, उनकी मीटिंग होती, लेकिन आखिर परेशानी हमारे पे जाके टिक जाती। हम हर एक क्षेत्र में सबसे आगे रहते, पैसे भरने में, गवर्नमेंट का टैक्स भरने में, म्यूनसिपालिटी का टैक्स भरने में, लाइट बिल भरने में, सब चीज़ें हमारे पास आगे होके जाके भरने में भी हमारे पास गवर्नमेंट के हिसाब से कोई ये आता नहीं, गवर्नमेंट की जो जो सुविधा है। कॉरपोरेशन के इंतजामी दस्ते ने आज सुबह घाटी अस्पताल से करीब गैर कानूनी दुकानों और टपरियों पर बुलडोजर चला दिए। इस कार्रवाई के वक्त यहाँ काफ़ी देर तक भगदड़ मची रही।
घाटी अस्पताल के दाखिले दरवाजे से करीब रास्ते के दोनों जानी फुटपाथ पर गुज़श्ता कई बरसों से छोटे मोटे दुकानदार अपनी टपरियां लगाकर कारोबार करते हैं। यहां फल, नाश्ते, चाय और दीगर जरूरियात की अशिया की मुतादी दुकानें चलाई जा रही हैं। इसके अलावा यहां कुछ बड़े होटल और मेडिकल स्टोर भी बाकायदा पक्की दुकानों में चलाए जाते हैं। घाटी अस्पताल के रैन बसेरा से मुत्तसिल रास्ते पर भी कुछ गैर कानूनी दुकानें चलाई जा रही थी। आज कारपोरेशन का इन्हदामी दस्ता यहाँ पहुँचा। इन्हदामी दस्ते के पहुँचते ही टपरी मालिकान अपना सामान उठाकर भागने लगे, जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी देर भगदड़ मची रही। दस्ते ने यहाँ से बड़ी तादाद में टपरियाँ हटा दी। इसके अलावा पक्की तामीर की गई दुकानों पर बुलडोजर चला दिए गए और उन्हें ज़मींदोज कर दिया गया। ये कार्रवाई एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंदर निकम, डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे की रहनुमाई में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वसंत भुइये, सविता सोनो ने, RS राजतवार, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशेद वगैरह ने अंजाम दी। महानगरपालिकेच्या सरकारी रोडवर आदेश नसताना तिथे मेडिकल स्टोर टाकण्याचा विचार करून त्यांनी अनाधिकृतपणे फुटपाथवर टपरी वजा दुकान मेडिकल स्टोर टाकण्यासाठी तयार केली होती। प्रशासनाच्या ते लक्षात आल्या कारणाने माननीय आयुक्त महोदय अस्तिक कुमार पांडे सर यांच्या आदेशाप्रमाणे ही आज कारवाई केलेली आहे। ही जी अर्धी तुटलेली तुम्हाला टपरी दिसत आहे, ही एक 5-10 मिनिटांमध्ये लाईट कट न झाल्याकारणाने आम्ही जी तोडलेली नाही, पूर्ण तुटून जाईल। आणि या नागरिकांना असे आवाहन करण्यात येते की कुठल्याही प्रकारचं अतिक्रमण रोडवर करू नका, फुटपाथवर करू नका, नसतं अशा पद्धतीने कारवाई करण्यात येईल, याची नागरिकांनी कटाक्षाने नोंद घ्यावी आणि महानगरपालिकेत सहकार्य करावे। रियासती वजीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने 10वीं के नतज के लिए नए जवाबित का ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक 10वीं के नतज 9वीं और 10वीं जमात की कारकर्दगी के बुनियाद पर तय किए जाएंगे। जो तलबा उससे मुतमिन नहीं है उन्हें बोर्ड के तहत इम्तिहान देने का मौका दिया जाएगा। कोरोना वबा की वजह से तालीमी साल 2020-21 बुरी तरह मुतासर रहा। ज्यादातर अरसा स्कूल बंद रहे, ऑनलाइन तालीम का नज्म भी कारगर साबित नहीं हुआ। इन हालात में हुकूमत ने 10वीं इम्तिहान मनसूख करके तलबा को अगली जमात में दाखिला देने का ऐलान किया, लेकिन नतायज के लिए मेरिट का इंतखाब हुकूमत और तलबा के लिए मसला बना हुआ था। 8 अगस्त को हुकूमत ने नतायज के लिए जाब्ते का ऐलान किया, लेकिन तालीमी हलकों में इस पर काफी एतराजात के बाद अब महकुमा तालीम ने नतायज के लिए नए जाब्तों का ऐलान किया, जिसके मुताबिक 9वीं और 10वीं की स्कूली कारकर्दगी की बुनियाद पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। 9वीं जमात की कारकर्दगी पर हर मजमून के लिए 50% नंबरात और 10वीं जमात में स्कूली कारकर्दगी पर 30% नंबरात के अलावा होमवर्क, जबानी इम्तिहान और प्रैक्टिकल की बुनियाद पर 20 नंबरात दिए जाएंगे। वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि अगर तलबा इस नतीजे से मुतमइन नहीं तो उन्हें बोर्ड के तहत 2 इम्तिहान देने का मौका दिया जाएगा। घाटी अस्पताल के अहाते में वाक़ दरगाह में पेश आई एक वारदात में चोर चंदा पेटी लेकर फरार हो गए। वारदात की शिकायत बेगमपुरा पुलिस थाने में दर्ज की गई। औरंगाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अहाते में जिम खाना के सामने हजरत ख्वाजा शेर मोहम्मद सफीर हिंद की दरगाह है। मरीजों के रिश्तेदारों के अलावा यहाँ बड़ी तादाद में रोजाना अकीदतमंद आते हैं। गुज़श्ता रात किसी चोर ने दरगाह में रखी चंदा पेटी और कुछ चीज़ें चोरी कर ली। वारदात का इल्म होने पर मुतवल्ली सैयद अजीज़, सैयद इब्राहिम और सैयद अजहरुद्दीन ने बेगमपुरा पुलिस थाने में वारदात की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस तहकीकात कर रही है। कोई चोरों ने गल्ला लेकर चले गए और यहाँ जो बाहर के लोग आए हुए तो उनके यहाँ कपड़े वगैरह सूख रहे थे, सवेरे उनके कपड़े भी चले गए। सवेरे 8:30 बजे ये यहाँ पर ये घटना हुई, यहाँ पर चोरी हुई। हमने बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करे जाके, अभी तक पुलिस वाले यहाँ पर आते बोले लेकिन पुलिस वाले अभी तक आए नहीं। दान पेटी चोरी गई यहाँ से। अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का, खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। मैं शफीक खान, पूरा ऑपरेटर अंबर गैस एजेंसी, भारत गैस डिस्ट्रीब्यूटर। भारत सरकार ने फ्री में पूरे हिंदुस्तान में 1 करोड़ गैस कनेक्शन देने का निर्णय लिया है। ये गैस कनेक्शन सिर्फ लेडीज के नाम से ही दिया जाएगा और आपके पास इसके पहले कोई भी कंपनी का गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
ये कनेक्शन सिर्फ लेडीज के ही नाम से दिया जाएगा। आपको इस कनेक्शन लेने के लिए ये डॉक्यूमेंट देना होंगे, राशन कार्ड की जेरॉक्स, आधार कार्ड की जेरॉक्स, राशन कार्ड के अंदर के मेंबर के आधार कार्ड की जेरॉक्स, फोटो और बैंक पासबुक की जेरॉक्स। ये स्कीम खाली मुख्तसर वक्त के लिए ही है, इस स्कीम का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए और अपने डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द अंबर एजेंसी पर जमा कराएं। और जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर पर भी रابطہ कायम कर सकते हैं। हमारा नंबर ये 777-488-3366। नाजरीन, वक्त के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। मराठा क्रांति मोर्चा के नाराज कारकुनों ने आज आकाशवाणी चौक पर वाके एक हॉस्पिटल पर हमला कर दिया। पुरतशद्दुद हंगामे की वजह से यहां काफ़ी देर हालात कशीदा रहे। इस अस्पताल के डॉक्टर पर मराठा रिजर्वेशन की मुखालफत का इल्ज़ाम है, जिसकी वजह से मराठा कारकुनों ने इसे निशाना बनाया। मराठा क्रांति मोर्चा के कारकुनों का एक हुजूम आज सुबह आकाशवाणी चौक पर वाके काबरा हॉस्पिटल के सामने जमा हो गया। इस अस्पताल के डॉक्टर पर इल्जाम है कि वो मराठा रिजर्वेशन की मुखालिफत करने वालों का तावन करता है। कारकुनों ने अस्पताल के सामने नारेबाजी शुरू कर दी और अस्पताल की तोड़फोड़ की कोशिश की, लेकिन मौके पर पहुंची जिनसी पुलिस थाने के अमले ने उन्हें रोक दिया। पुलिस ने 9 वर्करों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मौके पर मराठा क्रांति मोर्चा ने इंतबाह दिया कि जिसने भी मराठा रिजर्वेशन की मुखालिफत की उससे संगीन नतायज का सामना करना होगा। गंगापुर तालुके का आसे गांव रेत माफिया की सरगर्मियों की आमाजगह बना हुआ है। इंतजामिया की गफलत का फायदा उठाकर यहाँ से बड़े पैमाने पर रेत चोरी की जा रही है। आसे गांव की ग्राम पंचायत के सरपंच और मेंबरों ने आज जिला कलेक्टर से शिकायत करके रेत माफिया की सरगर्मियों पर रोक लगाने का मुतालबा किया है। गाँव यश हुआ माफिया वालू तस्कर घुमाकू घालते है, प्रशासनात लाखो रुपया महसूल खातं उघडत आहे। तरी कलेक्टर साहेबाला एक विनंती है, सरपंच आशेगाव ग्राम पंचायत वतीन निवेदन, सरपंच आशेगाव ग्राम पंचायत वतीन विनंती करते कलेक्टर साहेबाना कटर तस्कर तत्पर कारवाई करा, कटर यांच्यावर वाळू तस्कर वर कारवाई कठोर करण्यात यावी। नाकाबंदी के दौरान चेलीपुरे का पोलिस यूनिट हिस्सास होता जा रहा है। यहां अक्सर पुलिस के जवान और शहरियान के दरमियान तनाज़े सामने आ रहे हैं। जुमेरात की शाम
ऐसे ही एक वाकये में पुलिस और शहरियान आमने सामने आ गए, जिसके बाद सिटी चौक पुलिस थाने में चार शहरियान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। चेलीपुरा चौराहे पर जारी पुलिस पॉइंट तनाजों का गढ़ बनता जा रहा है। कारोबारी एतबार से इंतहाई मसरूफ इस इलाके में चौराहे पर पुलिस का पॉइंट लगाया गया, जहां नाकाबंदी के दौरान अक्सर पुलिस और शहरियान में टकराव के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले इसी चौराहे पर एक नौजवान को पकड़ने की कोशिश में हंगामा खड़ा हो गया था। इसी तरह का वाकया जुमेरात की शाम यहां पेश आया। पॉइंट पर तैनात पुलिस के जवानों ने बिला वजह घूमने वाले कुछ नौजवानों को पकड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से यहां फिर हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस के जवानों की इस कार्रवाई से बरहम शहरियान का हुजूम यहां जमा हो गया। सिटी चौक पुलिस थाने के इंस्पेक्टर संभाजी पवार का कहना है कि पुलिस के काम में मुदाखलत करने वाले 4-5 अफराद के खिलाफ सरकारी काम में मुदाखलत का केस दर्ज किया गया है। पुलिस इन्हें तलाश कर रही है। वाकये के बाद यहां पुलिस का बंदोबस्त भी बढ़ा दिया गया था। महावितरण के हड़ताली मुलाजमीन की नुमाइंदा मुश्तरका एक्शन कमेटी के अहदेदारों ने आज मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील से मुलाकात करके उन्हें अपने मसाइल के हल के लिए नुमाइंदगी करने का मुतालबा किया। इम्तियाज जलील ने उन्हें तयक्कुन दिया कि वो उनके मसाइल पर वजीर आला और वजीर तवानाई से नुमाइंदगी करेंगे। महकमे तवानाई के तहत बिजली कंपनियों के मुलाजमीन व अफसरान गुज़श्ता 4 दिन से काम बंद हड़ताल पर है। बिजली कंपनियों के अमले की 6 नुमाइंदा तंजीमों पर मुश्तमिल मुश्तरका एक्शन कमेटी ने 24 मई को काम बंद हड़ताल का ऐलान किया था। इस दौरान हड़ताल ख़त्म करने के लिए रियासती वजीर तवानाई डॉक्टर नितिन रावत से एक्शन कमेटी की बातचीत नाकाम हो गई। एक्शन कमेटी का कहना है कि कोरोना के दौर में महावितरण के 400 मुलाजमीन अपनी जान गंवा चुके हैं। 4000 अफसरान और मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर और जेर इलाज। अब तक 10,000 से ज्यादा मुलाजिम इस वबा से मुतासिर हो चुके हैं। महावितरण के मुलाजमीन बिजली का सिलसिला बहाल रखने के लिए दिन रात अपनी जान खतरे में डालकर काम करते हैं, इसलिए उन्हें फ्रंट लाइन वर्कर करार देकर तमाम सहूलतें फराहम की जाएं। इस मामले में आज एक्शन कमेटी के मेंबर सैयद जहीरुद्दीन, सैयद अख्तर अली, अविनाश चौहान, राजेंद्र राठौड़, पीवी पठाड़े, वसीम पठान, अरुण पिवड़, कैलाश गोरकर, प्रशांत बंसोड़े और अजीम पठान पर मुश्तमिल वफद ने मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील से मुलाकात की और उन्हें अपने मसाइल से वाकिफ करवाया। इम्तियाज जलील ने वफद को तयक्कुन दिया कि वो जल्द ही इनके मसलों को लेकर वजीर आला और वजीर तवानाई से नुमाइंदगी करेंगे। कोरोना वबा की वजह से जिला परिषद के महकमे तालीम में कामकाज बुरी तरह मुतासिर है। अमले की कमी और पाबंदियों के सबब जिला परिषद के टीचर्स के तबादले का अमल इल्तवा का शिकार है, जिसकी वजह से तबादले के मुंतजर टीचर्स में बेचैनी पाई जा रही है। औरंगाबाद जिला परिषद में तबादले के मुंतजर टीचर्स को इस बार भी मायूसी का सामना करना पड़ेगा। कोरोना वबा और पाबंदियों की वजह से जिला परिषद के महकमा तालीम का काम मुतासिर हुआ है। महकमा तालीम ने 8 अप्रैल को तरमीम शुदा पॉलिसी का ऐलान किया था, जिसके तहत 31 मई तक ऑनलाइन अमल मुकम्मल करने की हिदायत की गई थी। इस हिदायत के मुताबिक जिला परिषद के महकमा तालीम को खाली जायदादें, सीनियरिटी लिस्ट, जमात और ज़िले के दुश्वार गुजार देहात की फहरिस्त तैयार करनी थी। इसी तरह तबादलों के लिए टीचर्स को ऑनलाइन दरख्वास्त देने के लिए सहूलत भी फराहम की जानी थी, लेकिन इस सिलसिले में अब तक कोई काम नहीं हो सका। इस मामले में कुछ असातिज़ा तंजीमों ने रास्त देही तरक्यात के वजीर से नुमाइंदगी की, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि दिवाली के बाद टीचर्स के तबादलों का अमल शुरू हो सकता है। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। पाबंदियों से परेशान व्यापारियों की मदद के लिए आगे आई कांग्रेस, कारोबार शुरू करने के लिए जिला कलेक्टर से किया मुतालिबा। रिक्शा मालिकान और काश्तकारों को माली मदद तो दुकानदारों को क्यों नहीं, कैनॉट पैलेस के दुकानदारों का हुकूमत से सवाल। 10वीं के नतीजे के लिए हुकूमत ने नए जाब्तों का किया ऐलान और मराठा रिजर्वेशन की मुखालिफत करने वाला डॉक्टर बना नाराज कारकुनान के गजब का निशाना। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडियन उर्दू न्यूज़।